वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, जीते रहो बेटा, जीते रहो। अच्छा, क्या बात है, माशाल्लाह, इतनी ठंड में आप कैसे बाहर निकल आए? जैकेट पहन के हैं। बड़ा अच्छा मौसम है ये। आइए मैं पहले आपको दिखाती हूँ अपना किचन गार्डन। पहले ये छोटे छोटे जो है ना, ये तो गुलाब है, आप जानते हैं, ये भी पौधे हैं। यह मोतिया है जो गर्मियों में बहुत मज़ा देता है, बहुत खिलता है और इसकी खुशबू बहुत मशहूर कर देती है। उसके बाद शीना ने, मेरी जो मेड है, उसने किचन का सारा वो संभालती है। पुदीना लगाया, हरा धनिया, हरी मिर्चे और गार्लिक, लहसुन, जिंजर, थोड़ा थोड़ा सब कुछ लगाया हुआ। और उसके बाद ये जो है लेमन, लेमन तो मेरे फेवरेट है। मैं जो भी कावा पीती हूँ फ्रेश फ्रॉम द गार्डन, लेमन लेती हूँ, वो डालती हूँ, पुदीना डालती हूँ वगैरह वगैरह। और उसके बाद सुबह सुबह मेरे गेस्ट आते हैं अर्ली मॉर्निंग, सुबह उठ के मैं उनको गर्म पानी डालती हूँ। मेरे गेस्टों को ये गर्म पानी होता है, ये उनका ब्रेकफास्ट होता है और ये उनके छोटे छोटे मैंने घर बनाए हुए हैं। और माशाल्लाह ये देखें, ये रोजेस, वो छोटे घर हैं, ये घर हैं। और एक चीज़, रात की रानी का पौधा जब हम इधर से गुजरते हैं या आते हैं, इसकी खुशबू, इट्स लवली ब्यूटीफुल, इतनी प्यारी खुशबू होती है कि ऐसे लगता है। नासिर, मैंने एक बात सुनी है कि जो ये ना रात की रानी का पौधा, इसको सांप को इसकी खुशबू बहुत पसंद है। पता नहीं ये सही बात है ये या कोई खुद साख्ता बात है। बहरहाल लगता है कि अगर सांप को पसंद है तो हम भी अपने आप को सांप कहलाने के लिए तैयार है, क्योंकि इसकी खुशबू पे तो मैं मर मिटती हूँ, इतनी प्यारी खुशबू है। और एक चीज़ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ कड़ी पत्ता। इसके बड़े बेनिफिट्स हैं कड़ी पत्ते के। इसमें एक तो इसकी खुशबू है बड़ी करारी करारी सी ना, सिलोनी सिलोनी, मतलब क्रिस्पी क्रंची। ये कड़ी पत्ता है, इसका बड़ा दरख्त भी है जो सूख गया है, उसको मैंने एक आर्ट के हवाले से रखा हुआ है। और दूसरी चीज़ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ मोरिंगा। इसको उर्दू में ही सुहांजना कहते हैं। इसके तो इतने बेनिफिट्स हैं, इतने बेनिफिट्स हैं कि इसकी तो ये कैप्सूल में बाहर सेल हो रहा है और लोगों को जब से अवेयरनेस हुई है मोरिंगा की, वो तो दैट इज़ लवली। उसके तो इतने फ़वाद हैं कि आप देखें नेट पर तो आपको महसूस होगा। उधर एलोवेरा है, ठीक है, ये हमारा पुराना जनरेटर जो इस वक्त ख़त्म हो चुका है, एलोवेरा को इस्तेमाल करते हैं। और बाकी आगे अंदर तो मेरे परिंदे जो मेरे गेस्ट हैं ना, वो सुबह इधर ब्रेकफास्ट करते हैं। ठीक है, मेरा तो दिल चाहता है यहाँ पे हलवा पूरी लगा दूँ, हलवा पूरी ना चले इधर आके वो करें। तो आइए, ये एंट्रेंस का जो है ना दरवाज़ा, यहाँ से तो हम रेगुलर आते जाते हैं, लेकिन ड्राइंग रूम का ये दरवाज़ा है, गेस्ट के लिए ये खोला जाता है। आए तशरीफ लाए व्यूअर्स, ये है मेरा ड्राइंग रूम। तो ये तो आप सोचेंगे ये तो हमने पहले भी देखा हुआ है, हर वीडियो में, हर इंटरव्यू में। कभी मैं यहाँ बैठकर इंटरव्यू करती हूँ, यहाँ पे होता है कुछ इंटरव्यूज, यहाँ होते हैं कुछ, इधर बैठ के होते हैं कुछ। ये मेरी तस्वीर है, सदर ममनून हुसैन ने मुझे अवार्ड दिया था। और ये उसकी तस्वीर है, ये मिसेस ममनून हुसैन है, अल्लाह ताला सदर साहब को जन्नत अता फरमाए। शरीफ आदमी थे, बहुत अच्छे आदमी थे। और ये मेरी प्यारी सी बास्केट है, इसका मैं, अच्छा एक पिक्चर, ये बड़ी आर्टिस्टिक तस्वीर है, ये आर्ट का एक नमूना है, फाइन आर्ट का नमूना। इसमें एक खातून है, इसी मटेरियल से, शायद ये पोर्सलिन है या कौन सा, इसी से वो खातून का जो स्केच बनाया है, वो ऐसे जैसे या रिलैक्स कर रही है, या गम से निढाल है, या सोचों में गुम है, या सो रही है। बहरहाल आर्ट वो होता है जब आप खुद आप उसको
जहन मिलाए सोचें और खुद ही उसको डिसाइड करें, और खुद उसको एब्स्ट्रैक्ट आर्ट भी होता है जिसमें आपने खुद सोचना होता है कि इसका मतलब क्या है। ये चीजें, ये भी मैंने, ये मेरा छोटा सा, ये अपने जो कल्चर है उसकी अक्कासी करता है। ये भी शीशा मेरा बड़ा फेवरेट शीशा है। तो यहाँ पे भी आपने मुझे देखा होगा यहाँ बैठकर प्रोग्राम करते हुए। इसके अलावा ये डॉक्टर ए क्यू खान के साथ मेरी तस्वीर है, मेरी ज़िंदगी की यादगार तस्वीर है। ये उनके साथ डिनर किया था, मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है। इंतहाई अच्छे आदमी और इंतहाई हमारे मुल्क का फ़ख्र, वी आर प्राउड ऑफ हिम। अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद करे। तो अब जनाब ये है मेरा डाइनिंग टेबल। इस डाइनिंग टेबल पर बैठ के नाश्ता तो बहुत कम करते हैं डाइनिंग टेबल, क्योंकि मैं अकेली हूँ। अकेली जब यहाँ खाना लगाती हूँ तो मुझे बहुत सारे लोग याद आते हैं, मेरे हस्बैंड याद आते हैं, मेरी दो बेटियाँ जो यहाँ पे बैठती थी, हम लोग नाश्ता करते थे, खाना खाते थे, पांच प्लेट्स लगती थी। मेरा बेटा हमजा पाशा जो आजकल डिस्कवर पाकिस्तान पे शो कर रहा है, विच इज़ वेरी हिट एंड बड़ी हाईली अप्रिशिएटेड प्रोग्राम है, तो इसलिए मैं यहाँ नहीं बैठती। वो यादें तंग करती हैं, यादें बड़ी जालिम होती हैं, माफ़ नहीं करती। तो मैं अपने कमरे में ही टेबल पे नाश्ता मंगवा लेती हूँ। और ये देखें, ये आठ कुर्सियों की टेबल है। और आइए अब मैं आपको अपने लाउंज पे लेके चलती हूँ, ये जो लिविंग रूम जिसे कहते हैं। आइए, ये मेरे बेटे ने उसमें जो है गो कार्टिंग में, ही इज चैम्पियन ऑफ इट, और उसने ये सारे चेक या जो भी कप वगैरह जीते हुए हैं। बहरहाल बच्चों को कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तो इसी तरह ये है, ये गालिबन ये ओल्ड पेरिस की पेंटिंग है, ये मुझे बहुत पसंद है और मैंने काफ़ी अरसे से ये लगाई हुई है। और इसके अलावा ये मेरी किताबों का ख़जाना, मुख्तलिफ किस्म के मतलब मैंने रखे हुए हैं, बुक्स हैं। ये देखें, ये जमाल सैफुल मलूक, इस तरह की सारी किताबें हैं। ये हैं कुलियात शकील बदायूनी, मुख्तलिफ तमाम जो भी मतलब हैं फेवरेट किताबें, परवीन शाकिर की उधर पड़ी हैं, फैज़ अहमद फैज़ की हैं, अहमद रदीब आसमी की हैं, अहमद फराज की हैं, और बहुत सारे जो शोरा हैं, जो दौरे जदीद के शोरा हैं उनकी बुक्स हैं। बहुत सारी मेरे दोस्त भी हैं, मेरी सहेलियां हैं जो शायरी से अटैच्ड हैं और बहुत अच्छी शायर और शायराए हैं। और ये मेरा, ये भी एक खजाना है डेकोरेशन। नासिर, आप सोचते होंगे कि मेरा जो कोई ज़्यादा, कुछ लोग कहते हैं कि ओवर डेकोरेटेड है या सामान ज़्यादा है, तो मैं कहती हूँ कि नहीं, मेरी आदत है शॉपिंग करते रहना। जब मैं अपसेट होती हूँ तो शॉपिंग करती हूँ, जब बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ तो अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, शुक्राने के नफल पढ़ती हूँ, फिर शॉपिंग करती हूँ। इस तरह ये मेरी मेरा एक पैशन है, चीज़ें खरीदते जाना खरीदते जाना। मेरी अम्मी, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे, मेरी माँ कहती थी तो क्यों इतनी चीज़ें खरीदती है। मैं कहा अम्मी मेरे, मुझे अच्छा लगता है। तो ये फिल्म यमन का पोस्टर है, ठीक है, ये कश्मीर के मौजू पे बनने वाली फिल्म थी, विच वॉज हिट मूवी, और आज भी लोग इसको याद करते हैं। और कश्मीर डे पे
इसको अक्सर दिखाया जाता है, और मैं इस फिल्म की हीरोइन थी। अकेली का ये पोस्टर बना, टाइटल पीछे कश्मीर और अमन की बांसुरी, अमन की आमिना। तो उम्मीद है ये आपको चीज़ें पसंद आ रही होंगी। ये हमारा स्टोर है, ये नेगोशिएशन टेबल है, और ये मेरा बेडरूम है। जब मैं तैयार होती हूँ तो बेडरूम पे एक सामान और कपड़ों का तूफान होता है, वार्डरोब की सारी चीज़ें। ये हमजा की तस्वीर है जब वो 10 साल का था, तो अब तो माशाल्लाह वो बहुत बड़ा हो गया है, जवान हो गया है। और बाकी ये स्टोर, ये किचन है। किचन में ये डाइनिंग टेबल इसलिए एक्स्ट्रा रखी है कि ये एक्स्ट्रा हो गई थी, ये ऊपर पड़ी थी तो ऊपर ऑक्यूपाइड हो गया, तो फिर ये उन्होंने टेबल नीचे उतार दी। ये छोटा छोटा वाला किचन है जिसको लोग डर्टी किचन क्यों कहते हैं, भाई इसको साफ रखो क्यों कहते हो डर्टी किचन। ये छोटा किचन है जो ज़्यादा वर्किंग होता है, ज़्यादा फंक्शनल होता है। यहाँ पे भी आपने मेरे इंटरव्यूज देखे होंगे, और यहाँ पे भी आपने मुझे चलते फिरते देखा होगा। ना सिर्फ एक चीज, जो गुजरात में गई थी कुछ अर्सा पहले, तो ये मैंने मुख्तलिफ जगहों से चीज़ें खरीदी हुई हैं, लेकिन ये मुझे मैंने गुजरात से खरीदी, जो मेरा अपना एक शहर है। ये मुझे बहुत अजीज है और मैं इसको अक्सर देखती हूँ, प्यार करती हूँ। ये मेरे गुजरात से आया है। थैंक यू सो मच। ये फिश मैंने यहाँ से किसी बड़े स्टोर से ख़रीदी हुई है, लेकिन चलें। अच्छा जी, अब ये है कि पूरा आपने घर देख लिया है, बस मैं और मेरी तन्हाई। अक्सर ये बातें करते हैं, लेकिन जब मेरी फ्रेंड्स आ जाती हैं, मेरे रिश्तेदार आ जाते हैं, फिर मेरी तन्हाई दूर हो जाती है और ये घर हरा भरा हो जाता है, भर जाता है। ख़ासतौर पे जब मैं पाई बनाती हूँ, ठीक है। और ये मेरी शीना है। शीना नहीं ये मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा है कि इसके बगैर मैं रह नहीं सकती। इसके बच्चों ने कहा, अम्मी हम तुझे सारे मिला के इतने इतने पैसे देते हैं, तो बाजी का घर छोड़ दे, काम करना छोड़ दे। मैंने शीना जी के लिए दो काम करने वाली और रखी हुई हैं, जो सफाई कपड़े और ऊपर की डस्टिंग वगैरह करके जाती है। शीना सिर्फ मुझे डील करती है, मतलब मुझे खाना देना, नाश्ता देना, और मेरे जो ये शोबिस का काम है इसको, इसकी देखभाल करना। और मेरी डिज़ाइनर भी है शीना, क्योंकि वो कहती है, नहीं बाजी ये सूट नहीं करेगा इस पर, ये दुपट्टा ठीक नहीं है, ये ड्रेस ठीक नहीं है। नासिर, आप लोगों की ज़िद थी बहुत ज़्यादा कि होम टूर करवाएं, तो अब ये मैंने आपको जितना भी जो था अपना छोटा सा झोपड़ा दिखा दिया है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच नासिर, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, आपकी हर फरमाइश पूरी करती हूँ, आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो अपनी दुआओं में याद रखिए, अपनी मोहब्बतों में याद रखिए। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़, बाय।